हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मंस ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक अलग ही वीडियो प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए, जो इंडिया का 27th एक्सेप्शनल सेंटर में से है ये सेंटर। चलिए देखते हैं क्या है ये सेंटर। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ, मेरा विश्वास है आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। बच्चे लोगों का समर वैकेशन और मानसून सीजन चल रहा है, तो यहाँ गुवाहाटी में खानापारा एरिया में ये साइंस म्यूजियम है, जो रीजनल साइंस सेंटर। यहाँ बच्चे लोगों को लेके आइए, हम आज दिखाएंगे म्यूजियम के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये है साइंस म्यूजियम, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑफिस है उसके बिल्कुल फ्रंट में ही है। और यहाँ आओगे तो आपको यहाँ कार पार्किंग का सुविधा भी मिल जाएगा, लेकिन ये पेड कार पार्किंग है। Regional Science Center was established in 1994 to educate children regarding the impact of science and technology. It is one of India's 27 science centers administered by the National Council of Science Museum, Government of India. It has interactive exhibits related to science education as well as prehistoric life. The major attraction of this science center include magic tap, lift, fan mirror and the coal mine. The museum also provides an insight to the works of some of the renowned Indian and great scientists of the world. तो चलिए आज हम ये सेंटर को विजिट करते हैं और बच्चे लोगों को आप लेके आइए समर वैकेशन में, मानसून सीजन में बहुत ही मजा आ जाएगा। और वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड, आप लोगों को भी बहुत ही मजा आ जाएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को जरूर ये वीडियो दिखाइए और उन लोगों को एक बार जरूर जरूर लेके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें यहाँ हाईलाइट करके रखे हुए हैं। बहुत कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चे लोग जब आएंगे यहाँ। फ्लोटिंग ग्रेनाइट बॉल है, तो भी साइंटिफिक चीज़ें देख के बच्चे लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत ही एक सुंदर नज़ारा है, इको फ्रेंडली सराउंडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। लेकिन ये ग्लोब क्लब्सर देखिए, यहाँ दो फेमस साइंटिस्ट का फेस अपीयरेंस हिडन है। एक का जो है यहाँ से आ जाता है समझ में, दूसरा जो है दूसरा साइड से। मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आगे जाके, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नज़र करिए किसका अपीयरेंस तो होता है। टोटली प्लास्टिक फ्री जोन है, तो यहाँ प्लास्टिक यूज माना है। यहाँ से एंट्री है, हमको एंट्री करना पड़ेगा। आप लोग देखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा इलाबोरेट किए बिना। घर के अंदर में अगर आप आ जाते हो तो स्ट्रेट आते ही आपको यहाँ एक इंफॉर्मेशन सेंटर मिल जाएगा। कोई भी आपको अगर डाउट है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो पूरा देखिए रीजनल साइंस सेंटर।
स्पीड टेक्नोलॉजी। बच्चों को तो बहुत ही मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये वीडियोस में हाथ से जितना घुमाओगे उतना तेज भागेगा। गॉडेस नाम दिया है, हाथ नीचे लेके जाओगे तो तुरंत ही पानी आ जाएगा। थोड़ा सा वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री होके आते हैं। वाओ एक्सेलेंट केमिस्ट्री एंड ओवरव्यू यहाँ दिया हुआ है। मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दे रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। इसरे The father of the Indian chemistry industry. हम भी थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, देख के आते हैं क्या क्या है। ये चिल्ड्रंस कॉर्नर है, जो बच्चे लोग हैं इन लोगों का एरिया बना करके। टाइम लगता है लेकिन डेढ़ दो घंटा तो आपको कम से कम लगेगा। बायोमेसेंस थोड़ा सा देख के आते हैं अंदर। द यूनिट ऑफ लाइफ, वाह वंडरफुल इनक्रेडिबल मशीन। जितना हो सके मैंने कोशिश किया लेकिन मैं एक्चुअली इतना तो इलाबोरेट नहीं कर पाया हूँ। शायद जितना हो सके मेरे से मैंने इलाबोरेट कर दिया है और थोड़ा बहुत दिखा भी दिए हैं थोड़ी। तो शायद आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो अगर नए से आप वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे पान साइंस क्या है। ज़्यादा अगर इलाबोरेशन में मैं लगा रहूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे वीडियो में, तो इसीलिए मैं थोड़ा लिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। प्लेनेटोरियम भी रखा हुआ है। यहाँ एंट्री करने के लिए विजिटर्स का टिकट है 20 रुपीस। स्कूल से अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप तो 10 और गवर्नमेंट का स्कूल रहेगा तो 5 रुपया। तो ये छोटा सा प्लेनेटोरियम है, यहाँ बच्चे लोगों को लेके आ सकते हैं आप लोग। रास्ता भटक गया हूँ अभी, हर जगह क्लास ही क्लास है। थोड़ा फिर यहाँ से निकल के जाते हैं हम लोग नीचे जाके, दूसरे साइड में एक्वेरियम है वो एक्वेरियम देखेंगे। हाय हाय, लेट्स गेट इनटू द एक्वेरियम, बी विद मी। ये देखिए चिटल, ये फिश फेमस है असम में। चीज़ें हैं, शायद मैं सभी को कवर नहीं कर पाया वीडियो में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। सिर्फ एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया।
हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बिकॉज टाइम बहुत लगता है और एक एक चीज़ों को इलाबोरेट करके दिखाने में, तो मैंने थोरोली आप लोगों को दिखा दिया। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा।